एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट। तो बेसिकली स्पेशल कोर्ट को कौन फॉर्म करता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट शैल एस्टैब्लिश और डेजिग्नेट, मतलब या तो वो बनाएगा या तो किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोर्ट को डेजिग्नेट करेगा कि भाई तू आज से स्पेशल कोर्ट है। तो सीजी शैल एस्टैब्लिश और डेजिग्नेट एज मेनी स्पेशल कोर्ट्स एज नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ स्पीडी ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर द कंपनीज एक्ट। मतलब कंपनीज एक्ट में जो भी ऑफेंसेस होते हैं उनका ट्रायल करना पड़ता है और फिर वो जो अक्यूज पर्सन रहेगा उसको हम गिल्टी मान के वी विल यू नो सेंड हिम टू जेल या उसको फाइन वाइन वगैरह भरने के लिए बोलेंगे। तो ये सब कुछ स्पेशल कोर्ट में होने वाला ट्रायल एंड फास्ट हो जाए उसके लिए स्पेशल कोर्ट फॉर्म कर रहे हैं। स्पेशल कोर्ट शैल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग: अ सिंगल जज होल्डिंग एज सेशंस और एडिशनल सेशंस जज। मतलब एक सिंगल पर्सन यू नो एडजुडिकेट करने वाला है सब कुछ, तो वो सेशंस जज या एडिशनल सेशंस जज रहेगा फॉर ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट फॉर इम्प्रिजनमेंट ऑफ एटलीस्ट 2 ईयर्स। मतलब 2 साल या 2 साल से ज्यादा का इम्प्रिजनमेंट वाला ऑफेंस रहेगा अगर ये, तो ये वाला एक सिंगल जज बैठने वाला है जो सेशंस या एडिशनल सेशंस जज है। बट फॉर ऑल द अदर ऑफेंसेस, ऑल द अदर ऑफेंसेस मतलब छोटे छोटे ऑफेंस जो लेस देन 2 ईयर्स के जेल वाले होते हैं, अगर लेस देन 2 ईयर्स वाले हैं कोई, तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। देखो ये क्या होता है, सेशंस जज सबसे ऊपर होता है, फिर एडिशनल सेशंस जज होता है, फिर उसके नीचे ये लोग आते हैं मेट्रोपॉलिटन एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। तो ये ऐसा एक हायरार्की होता है। अब ये जो हायरार्की है उसमें ऐसा याद रखने का कि जो फर्स्ट 2 लोग है ना सेशंस वाले, वो लोग 2 और मोर ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट वाले ऑफेंसेस ट्राई करेंगे बिकॉज ये बड़े ऑफेंसेस है। एंड ये दोनों छोटे लोग हैं, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये लोग भी कोर्ट का ही हिस्सा होता है। बहुत सारे अलग अलग कोर्ट होते हैं, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होता है, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट होता है, मेट्रोपॉलिटन होता है, जुडिशियल होता है, बहुत सारा अलग अलग टाइप्स का आएगा आगे भी हम पढ़ने वाले। तो मेट्रोपॉलिटन एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोई भी इसमें से एक हो सकता है, वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, ये लोग एडजुडिकेट करेंगे, पूरा का पूरा ट्रायल कंडक्ट करेंगे। दे विल बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। मतलब ये स्पेशल कोर्ट के ऊपर जो हाई कोर्ट आता है उसका एक चीफ जस्टिस रहेगा जो हेड रहेगा हाई कोर्ट का, उससे कंसल्टेंसी लेगा सेंट्रल गवर्नमेंट एंड देन दे विल अपॉइंट सच अ जज। फिर सेक्शन 436, ऑफेंसेस ट्रायबल बाय द स्पेशल कोर्ट। तो ऐसा है कि कहाँ पर ये ऑफेंसेस ट्राई होंगे वगैरह वगैरह, तो ऑल द ऑफेंसेस अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 शैल बी ट्रायबल ओनली बाय द स्पेशल कोर्ट इन ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस। कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस जहां पर है उधर के ज्यूरिसडिक्शन के स्पेशल कोर्ट में लेके जाना पड़ेगा इसको। इफ देर आर मोर देन वन स्पेशल कोर्ट्स इन दैट एरिया देन वन ऑफ देम विल बी स्पेसिफाइड बाय द हाई कोर्ट। समझो कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये क्राइम वगैरह जो है वो विक्रोली में हुआ है और विक्रोली में ही उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है, लेट्स अज्यूम विक्रोली का जो ज्यूरिसडिक्शन होता है उसमें 2 स्पेशल कोर्ट है, तो यू विल गो द गवर्नमेंट विल गो टू द बॉम्बे हाई कोर्ट, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट उसके ज्यूरिसडिक्शन में आता है। बॉम्बे हाई कोर्ट बोलेगा कि भाई ये 2 स्पेशल कोर्ट है तो कौन से स्पेशल कोर्ट में जाना है। व्हेन अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ और सस्पेक्टेड ऑन कमिटिंग एन ऑफेंस। अक्यूज या सस्पेक्टेड मतलब अभी तक प्रूव नहीं हुआ है कि ये गिल्टी है, बट अभी तक आपने सिर्फ इसके इल्जाम लगाया है, इज फॉरवर्डेड टू द मजिस्ट्रेट एज पर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। अब ये कोड में क्या लिखा है, कोई भी अगर आपको लगता है ना कि कोई अक्यूज पर्सन है या कोई यू नो किसी ने क्राइम किया है, तो आपको उसको मजिस्ट्रेट के पास लेके जाना पड़ता है, वो एक स्टेटमेंट वगैरह देगा। मजिस्ट्रेट को लगता है कि इसको डिटेन करना चाहिए, मतलब अपने पास रखना चाहिए, तो वो रखेगा, वरना स्पेशल कोर्ट को वापस फॉरवर्ड कर देगा। तो देखो व्हेन अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ और सस्पेक्टेड ऑन कमिटिंग एन ऑफेंस इज फॉरवर्डेड टू द मजिस्ट्रेट एज पर द कोड, मैजिस्ट्रेट में ऑथराइज डिटेंशन ऑफ सच पर्सन इन कस्टडी। डिटेंशन ऑफ सच पर्सन इन कस्टडी का मतलब होता है कि इसको अपने पास ही रखेंगे। ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे क्रिमिनल्स या ऑफेंडर्स के लिए एक रूम बनाया रहेगा, उसमें इसको रखने वाला। कितने दिन के लिए? मैक्सिमम 15 दिन के लिए कस्टडी में रख पाओगे आप इफ ही इज जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। मतलब ये जो मैजिस्ट्रेट है जिसके पास आपने पर्सन को फॉरवर्ड किया है, अगर वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है तो 15 दिन तक रख पाओगे, अगर वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है तो सिर्फ 7 दिन तक मैक्सिमम आप रख पाओगे, क्योंकि ये वाला बड़ा मैजिस्ट्रेट होता है, ये वाला छोटा मैजिस्ट्रेट होता है। तो मैजिस्ट्रेट क्या बोलेगा कि भाई इसको डिटेंशन में रखना है कि नहीं, अगर रखना है तो 15 डेज और 7 डेज मैक्स रख पाओगे, उतने टाइम में आपको
यू नो एविडेंस वगैरह कलेक्ट करके केस चलाना है, और इफ द मैजिस्ट्रेट थिंक्स दैट डिटेंशन इज अननेसेसरी देन इट शैल ऑर्डर हिम टू बी फॉरवर्डेड टू द स्पेशल कोर्ट. अब स्पेशल कोर्ट अपना जो भी इन्वेस्टिगेशन वगैरह है, ट्रायल वगैरह है, वो कंडक्ट करके फिर डिसीजन दे देगा. When can special court take cognizance of offence? तो दो बात पे, या तो upon a receipt of police complaint या police report or on receipt of any complaint. तो या तो police report file करेगा तो, या तो any complaint. और ये complaint जो है वो आगे के page पे अपन पढ़ेंगे. Registrar कर सकता है, members या shareholders of that company can do it, या CG authorized officer या SEBI authorized officer. ये लोग के पास power है complaint करने का. While trying an offence under Companies Act 2013, Special Court can try offences which are of other than Companies Act 2013, with which the accused person may be charged at the same trial under Code of Criminal Procedure. ये Code of Criminal Procedure बोलता है कि कभी कभार ऐसा होता है कि दो तीन एक्ट साथ में इसने वायोलेट कर दिया. तो अगर Companies Act का कोई भी ऑफेंस आप कर रहे हो ट्राई, उसमें पता चला कि ये पर्सन ने और भी बहुत सारे एक्ट को वायोलेट किया है, तो भी अंडर द सेम ट्रायल यू कैन कंडक्ट दैट. फॉर एग्जाम्पल समझो अगर ये लिस्टेड कंपनी है, तो कंपनीज एक्ट के साथ साथ मोस्टली सेबी या सेबी का कोई रेगुलेशन भी ब्रेक होने वाला है, तो साथ में सब ट्रायल एक ही स्पेशल कोर्ट में हो जाएगा, वो चलेगा. फिर समरी ट्रायल का कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर किसी को लगता है कि फटाफट ट्रायल हो सकता है, मतलब आई डोंट वॉन्ट टू वेट कि भाई मैं रेगुलर ट्रायल करूं, 6-7 महीना 12 महीना रुकू, उसके बाद डिसीजन आए, अगर स्पेशल कोर्ट को लगता है कि फटफट हो सकता है ये, तो ये रूल फॉलो करेंगे समरी ट्रायल का. इट इज अलाउड ओनली इफ टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड. फर्स्ट कंडीशन, ऑफेंस इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years अंडर दिस एक्ट. मतलब कि अप टू 3 years का रहेगा अगर इम्प्रिजनमेंट उसमें लिखा, तो ही आप समरी ट्रायल कर सकते हो. मतलब कि एक छोटा ऑफेंस है तो ही समरी ट्रायल कर सकते हो. मतलब अगर मोर देन 3 years का जेल वाला कोई भी ऑफेंस है, तो समरी ट्रायल नॉट अलाउड. एक और कंडीशन है इसके साथ साथ, आफ्टर समरी ट्रायल द इम्प्रिजनमेंट डज नॉट एक्सीड 1 year. मतलब आप जब भी समरी ट्रायल खत्म कर दोगे, आप ये पूरा कार्रवाई वगैरह खत्म कर दोगे, यू शुड बी श्योर कि इसके बाद मैं इसको इम्प्रिजनमेंट तो दूंगा, बट इट वॉन्ट एक्सीड 1 year. मतलब अप टू 1 year तक का मैं उसको इम्प्रिजनमेंट दूंगा. तो दो कंडीशन क्या है कि पहली बात तो ये ऑफेंस जो है, जो भी सेक्शन में उसका पेनल्टी लिखा रहेगा ना, उसमें अप टू 3 years का जेल लिखा हुआ होना चाहिए. एंड समरी ट्रायल के बाद मैं उसको जेल दूंगा तो सिर्फ अप टू 1 year का दूंगा. मतलब ये छोटा ऑफेंस है, इतना कुछ यू नो मेजर ऑफेंस नहीं है. बट वॉट इफ बाद में अगर 1 साल के ऊपर देना पड़े तो क्या, तो यू कैन स्विच बैक टू रेगुलर ट्रायल. देखो, इफ ड्यूरिंग द समरी ट्रायल इट अपीयर्स दैट an order for imprisonment exceeding 1 year will have to be passed. लगता है कि नहीं यार अभी ये up to 1 year नहीं होएगा, थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा. Or if you think summary trial is undesirable, मतलब अभी summary trial नहीं करना है, because maybe regular trial में ज्यादा facts वगैरह दिखेगा, ज्यादा time मिलेगा, then what you can do, it can conduct regular trial now. मतलब switch कर सकते हो summary से directly regular पे. And you can recall the witness, you can rehear the case. मतलब ये स्पेशल कोर्ट के पास पावर दे दिया है कि वापस तुम विटनेस को बुलाओ, वापस पूरा हियरिंग करो, नो प्रॉब्लम. तो फ्लेक्सिबिलिटी दिया है कोर्ट के साइड पे. कोर्ट को बोला है अगर तुमको लगता है ना फटफट कोई चीज करना चाहिए, छोटा मोटा ऑफेंस है, तो समरी ट्रायल करके खत्म करो. अगर बाद में पता चलता है कि यार नहीं यार ये फैक्ट्स थोड़े ज्यादा निकल रहे हैं, थोड़ा ज्यादा टाइम चाहिए वगैरह, स्विच बैक टू द रेगुलर ट्रायल, नो प्रॉब्लम. उसके बाद 438 है. 438 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 शैल अप्लाई टू द प्रोसीडिंग्स बिफोर अ स्पेशल कोर्ट. तो ये सबको लीगल बनाने के लिए ऐसा बोला है, स्पेशल कोर्ट विल बी डीम्ड टू बी अ कोर्ट ऑफ सेशन और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास. इफ यू रिमेम्बर अपन ने पहले पढ़ा था कि स्पेशल कोर्ट में कौन बैठने वाला है, तो वो एक फ्लो चार्ट था, यहाँ पर लिखा था सिंगल जज. सिंगल जज जो था उसका पोस्ट क्या था, तो सेशंस जज या एडिशनल सेशंस जज था. तो इसके लिए ये जो स्पेशल कोर्ट है उसका हम कोर्ट ऑफ सेशन डीम करेंगे, अगर ये जज इसमें से कोई भी एक है तो. या तो सेकंड कैटेगरी में था मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, अभी लास्ट पेज पे ही पढ़ा था. तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है तो वी विल डीम कि दिस इज अ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट, एंड सिमिलरली जेएम ऑफ फर्स्ट क्लास. तो जो भी ये जज अपॉइंट हुआ रहेगा, अकॉर्डिंगली वी विल डीम दैट
कि भाई ये पूरे कोर्ट ने डिसीजन दिया है, इवन दो एक सिंगल पर्सन ने डिसीजन दिया है, पर्सन कंडक्टिंग प्रोसिक्यूशन एट द स्पेशल कोर्ट विल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इसका मतलब क्या होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बेसिकली क्या होता है, तो गवर्नमेंट के साइड से एक लॉयर होगा जो सामने जो क्रिमिनल है उसको प्रूव करके रहेगा कि भाई हाँ इसने ये क्राइम किया है, एविडेंस वगैरह कलेक्ट करके उसके ऊपर पूरा का पूरा डाल देगा ब्लेम। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो रहेगा उसको भी डीम करना पड़ता है, बिकॉज कोड ऑफ सिविल एंड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में बहुत गाइडलाइंस होते हैं। तो यहाँ पर जो भी पर्सन कंडक्ट कर रहा है उसको हम मान लेंगे कि हाँ ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर है एंड एवरीथिंग इज लीगल एज पर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ये तुमको डीम करना पड़ेगा। 439 है, ऑफेंसेस टू बी नॉन कॉग्नाइजेबल। व्हाट इज नॉन कॉग्नाइजेबल, नॉन कॉग्नाइजेबल मतलब यू कांट अरेस्ट एनीवन विदाउट अ वारंट। तो जो भी ये ऑफिसर रहेगा, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर या जिसको भी अथॉरिटी दी गई होगी, ही कांट अरेस्ट एनीवन, कंपनीज एक्ट में, कंपनीज एक्ट में जो भी क्राइम हुआ ही कांट अरेस्ट एनीवन विदाउट अ वारंट, मतलब उसको एक वारंट चाहिए रहेगा। अब वारंट कौन देता है, तो इट विल डिपेंड, नॉर्मली कोई भी कोर्ट से आपको वारंट मिलता है, या तो अगर कोई अथॉरिटी आपके ऊपर बहुत ही ऊपर पोस्ट पे सीनियर लेवल पे होती है अथॉरिटी, तो वो आपको वारंट देता है। तो यहाँ पर नॉर्मली सारे ऑफेंसेस जो है वो नॉन कॉग्निजेबल होंगे, बट एक ऑफेंस ऐसा है जो कॉग्निजेबल है। देखो एवरी ऑफेंस अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 इज नॉन कॉग्निजेबल, मतलब यू कांट अरेस्ट एनीवन विदाउट अ वारंट, एक्सेप्ट एन ऑफेंस अंडर 212 सबसेक्शन 6। 212 सबसेक्शन 6 रिलेट्स टू SFIO, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। अब सीरियस फ्रॉड का केस है, SFIO को बोल दिया है कि भाई तुम बिंदास अरेस्ट करो विदाउट वारंट, तो 212 सबसेक्शन 6 का जो ऑफेंस है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस वाला, उसके लिए कॉग्नाइजेबल है, अदरवाइज एवरीथिंग वुड बी नॉन कॉग्नाइजेबल। फिर स्पेशल कोर्ट, हमने पहले पढ़ा था कि दो केस पे दो यू नो सिचुएशंस में ये कॉग्निजेंस ले सकता है कोई भी ऑफेंस का। कॉग्निजेंस का मतलब क्या होता है, इट कैन स्टार्ट द ट्रायल एंड एवरीथिंग। तो पहला था पुलिस रिपोर्ट एंड सेकेंड था कंप्लेंट बाई सम पीपल, सम पीपल देखो कौन है। स्पेशल कोर्ट कैन टेक कॉग्निजेंस, टेक कॉग्निजेंस मतलब स्टार्ट द ट्रायल ओनली ऑन अ रिटन कंप्लेंट बाय द फॉलोइंग। तो पहला है रजिस्ट्रार ROC, मेंबर या अपना शेयर होल्डर खुद का कंपनी का, या पर्सन ऑथराइज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन नॉर्मल केसेस। पर्सन ऑथराइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो, मतलब ऐसा बोल सकते हो गवर्नमेंट कंपनी है तो पर्सन ऑथराइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट विल कंप्लेन, और कोई भी कंपनी वगैरह रहेगी तो रजिस्ट्रार मेंबर या ये पर्सन ऑथराइज बाय CG कैन कंप्लेन। एंड एक और है पर्सन ऑथराइज बाय द सेबी, पर्सन ऑथराइज बाय सेबी अलोंग विथ दीज थ्री, ये तीन प्लस पर्सन ऑथराइज बाय सेबी फॉर ऑफेंसेस रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज और नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स। इसका मतलब ये है, ये जो तीन लोग हैं ये लोग तीनों भी ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज और नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड के लिए कंप्लेन कर सकते हैं, एंड ये पर्सन ऑथराइज बाय सेबी जो है ये भी ये दोनों चीज के लिए कंप्लेन कर सकता है। बट ये जो पर्सन ऑथराइज बाय सेबी है वो और कोई भी चीज के लिए कंप्लेन नहीं कर सकता, मतलब सिर्फ दो केस में वो कंप्लेन कर पाएगा, ये दोनों है। कोई भी कंपनी ने समझो ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज नहीं किया, आपने पैसा दे दिया वो तुमको सिक्योरिटी नहीं दे रहा है, या डिविडेंड पे नहीं किया डिक्लेयर कर लिया रहेगा फिर भी, या ऐसा कोई भी कंप्लेन वगैरह होता है तो सेबी का भी इसमें यू नो पिक्चर में आ जाता है सेबी। तो एनी पर्सन ऑथराइज बाय द सेबी कैन ऑल्सो कंप्लेन। ये जो कंप्लेनेंट होता है, कंप्लेनेंट है ही मस्ट बी प्रेजेंट एट द स्पेशल कोर्ट, क्योंकि उसने कंप्लेन किया है तो उसको तो कोर्ट में आने पड़ेगा ड्यूरिंग द ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस। हाउएवर फॉर रजिस्ट्रार एंड पर्सन ऑथराइज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये दोनों बहुत बिजी है, तो प्रेजेंस इज रिक्वायर्ड ओनली इफ द स्पेशल कोर्ट रिक्वायर्स इट। स्पेशल कोर्ट बोलेगा कि भाई तुमको आना है तो ही वो लोग आएंगे, अदरवाइज दे वोंट कम। ये जो सेक्शन है, दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल टू एक्शंस टेकन बाय द लिक्विडेटर। कंपनी का जो लिक्विडेटर होता है, लिक्विडेटर है ना वाइंडिंग अप के टाइम पे पूरा का पूरा कंपनी बंद करवाने पे लगा हुआ होता है, वो सारे एसेट बेचेगा, सारे लायबिलिटीज रीपे करेगा वगैरह वगैरह। तो उस दौरान अगर किसी ने कोई झोल किया, मतलब इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफेंस कमिटेड रिलेटेड टू वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप के रिलेटेड कोई भी ऑफेंस किया, वाइंडिंग अप चैप्टर में अपन पढ़ेंगे कि बहुत सारे झोल हो सकते हैं, फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस वगैरह दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बंदा सिक्योर्ड है दूसरा बंदा अनसिक्योर्ड है, तो आपने ऐसा कुछ किया कि अनसिक्योर्ड वाले को सिक्योर्ड बना दिया ताकि जब भी कंपनी बंद हो
तो सिक्योर्ड का पूरा पैसा जल्दी मिलता है। तो ऐसा कोई भी फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस या बहुत सारे अलग अलग ऑफेंसेस है, अगर किसी ने किए तो लिक्विडेटर कैन टेक एक्शन ऑन देम। उनके लिए ये वाला सेक्शन अप्लाई मत करो, मतलब के ये स्पेशल कोर्ट में कंप्लेन ये वो कुछ भी नहीं, नॉट नेसेसरी, लिक्विडेटर को ऑलरेडी पावर दे दिया है वहां पर। दिस सेक्शन इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल टू प्रोसिक्यूशन बाई कंपनी अगेंस्ट एनी ऑफ इट्स ऑफिसर्स। मतलब अगर कंपनी अपने ऑफिसर को सू करता है तो उसके लिए ये सेक्शन अप्लाई नहीं करना है। मतलब के ऐसा कभी भी नहीं होता है कि कोई भी कंपनी अगर अपने ऑफिसर को सू वगैरह कर रही है या प्रोसिक्यूट वगैरह कर रही है तो स्पेशल कोर्ट आएगा। स्पेशल कोर्ट में कौन लोग आएंगे पता है? दोज पीपल हु वॉन्ट टू सू द कंपनी, हु वॉन्ट टू सू द कंपनी। मतलब कंपनी अगर किसी को सू कर रहा है ना तो उसके लिए स्पेशल कोर्ट नहीं आते कोई भी। तो ये लोग जिनको कंपनी को सू करना है, कंपनी के अगेंस्ट पेनल्टी वगैरह डालनी है, ये लोग आएंगे स्पेशल कोर्ट में, नॉट द अदर वे अराउंड। एंड ऑफिसर हियर डज नॉट इंक्लूड लिक्विडेटर। मतलब ये जो लिक्विडेटर है ना ये आउटसाइडर है, ये तुम्हारा ऑफिसर है ही नहीं। तो कंपनी जो है वो लिक्विडेटर के अगेंस्ट एक्शन नहीं ले पाएगी। अगर ऑफिसर के अगेंस्ट लेना है तो कोई बात नहीं, यू फॉलो द नॉर्मल प्रोसीजर। कोई भी कंपनी को अगर ऑफिसर के खिलाफ कोई भी कंप्लेन वगैरह होता है या उसको सू करना होता है तो पहले तो वो ऑफिसर को खुद को ही नोटिस भेजता है कि भाई देख तूने ये चीज किया है, या तो तू ऑफिस छोड़ दे या तो तू फाइन पेनल्टी जो भी है वो भर दे। नहीं हुआ देन इट द कंपनी विल टेक इट टू द कोर्ट, बट नॉर्मली स्पेशल कोर्ट में नहीं जाता है। दैट विल बी अ नॉर्मल रूटीन वाला कोर्ट, जिसमें अगर आप बोलते हो ना कि अगर तूने मेरा पैसा नहीं दिया तो आई विल सू यू इन द कोर्ट, वो कौन सा कोर्ट होता है? तो वो लोकल कोर्ट होता है, मैजिस्ट्रेट या कोर्ट ऑफ सेशंस। तो स्पेशल कोर्ट में कोई भी कंपनी नहीं जाएगा, कंपनी के खिलाफ जिसको जाना है वो जाएगा। फिर मीडिएशन एंड कंसिलिएशन पैनल है। तो जैसे आर्बिट्रेशन वाले एक्ट में अपन ने पढ़ा था, मीडिएशन एंड कंसिलिएशन में थोड़ा बहुत डिफरेंसेस है। मीडिएशन क्या था? तो मीडिएशन में बेसिकली एक मीडिएटर दो पार्टीज को गाइड करता है कि भाई तुम जाके सोल्यूशन ढूंढ लो। कंसिलिएशन में कंसिलिएटर जो है वो दोनों पार्टीज का विन विन का एक सेटलमेंट निकालने का ट्राई करता है। तो ये मीडिएशन एंड कंसिलिएशन पैनल ऑलरेडी कंपनीज एक्ट में सेट है। ये MCP जो है 442 में इसको बनाया गया था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट शैल मेंटेन अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स टू बी कॉल्ड एज MCP मीडिएशन एंड कंसिलिएशन पैनल फॉर मीडिएशन ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग्स बिफोर सेंट्रल गवर्नमेंट NCLT और NCLAT। ये एक्ट में ये तीनों जगह पे अगर कोई भी आपका प्रोसीडिंग वगैरह चल रहा है ना तो आपको मीडिएशन करने मिलेगा। मीडिएशन अगेन क्या होगा? मीडिएशन में बेसिकली ऐसा होगा कि जो MCP है वो एक सोल्यूशन रेकमेंड करेगा। किसको रेकमेंड करेगा? तो यही तीनों को, CG, NCLT या NCLAT, एंड देन दे विल टेक अ फाइनल कॉल। तो ऐसा है कि एनी पार्टी कैन अप्लाई टू दीज थ्री फॉर रेफरिंग द मैटर टू MCP। अगर कोई पार्टी को लगता है ना कि ये कोर्ट कचहरी का चक्कर हमको नहीं लगाना है, ये ट्रिब्यूनल वगैरह नहीं आना है, तो दे कैन ट्राई टू रेफर इट टू MCP। वो लोग एप्लीकेशन कर देंगे, या तो CG, NCLT, NCLAT शैल रेफर इट टू MCP सुओ मोटो। मतलब ये लोग खुद से ही अपने हिसाब से ही ये सुओ मोटो ट्रांसफर कर सकते हैं केस MCP को। अब MCP क्या करने वाला है? तो MCP के पास टाइम है 3 months का। MCP शैल डिस्पोज ऑफ द मैटर विद इन 3 months एंड फॉरवर्ड इट्स रिकमेंडेशंस टू दीज थ्री, जिसके भी इधर केस चल रहा है उसको। अगर NCLT में चल रहा है तो NCLT को दे देगा विद इन 3 months। पार्टी टू प्रोसीडिंग कैन फाइल ऑब्जेक्शंस अगेंस्ट द MCP's रिकमेंडेशंस। मतलब ऐसा नहीं है कि फुल एंड फाइनल, फुल एंड बाइंडिंग या वगैरह होगा। ये इधर सिंपल बोल दिया है MCP जो है वो विद इन 3 months अपने जो भी ये रिकमेंडेशन वगैरह रहेगा वो CG या NCLT या NCLAT को दे देगा, एंड ये लोग बाद में फाइनल कॉल लेंगे। सी अल्टीमेटली ऑर्डर विल बी पास बाय दीस थ्री ओनली, जिधर भी केस चल रहा है। बट हाँ, यू कैन टेक ऑब्जेक्शंस अगेंस्ट द MCP's रिकमेंडेशन। ऑब्जेक्शन कहाँ पे लेंगे? तो अगेन यही तीनों के अगेंस्ट, जिधर भी केस चल रहा है उधर ही ऑब्जेक्शन उनको लेना है। एंड देन फाइनली वन ऑर्डर विल बी पास बाय CG, NCLT और NCLAT, व्हाटएवर द केसेस। 446 जो भी फाइन कलेक्ट हुआ है उसमें से दो चीजें आपको निकालनी पड़ेगी। तो 446 बोलता है एप्लीकेशन और यूटिलाइजेशन ऑफ फाइन्स। द कोर्ट इम्पोजिंग फाइन कैन डायरेक्ट इट्स एप्लीकेशन टुवर्ड्स एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग्स। मतलब ये जो लीगल प्रोसीडिंग वगैरह होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को पैसा दिया, फीस वगैरह दिया, वो सब जो भी लीगल एक्सपेंसेस वगैरह रहेगा उसको माइनस कर दो, मतलब अप्लाई कर दो फाइन टुवर्ड्स दैट।
एंड टूवर्ड्स रिवॉर्ड टू पर्सन ऑन हुज इन्फो द प्रोसीडिंग्स वर इंस्टीट्यूटेड. मतलब इसको बोलते हैं किसी ने टिप दिया रहेगा तुमको तो उसको भी रिवॉर्ड देने का. समझो फाइन तुमने 1 करोड़ कलेक्ट किया, समझो इसका खर्चा 1 लाख है, इसका खर्चा 1 लाख है, तो ये दोनों पहले अप्लाई कर दो, उसके बाद जो 98 लाख बचा वो फाइन फाइनल हो जाएगा. अब ये फाइन किधर जाएगा, दिस विल गो टू द CFI कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. ये हमने आगे यही चैप्टर में लिखा है. 446A फैक्टर्स फॉर डिटरमाइनिंग द लेवल ऑफ पनिशमेंट. अब बहुत सारे सेक्शन में ऐसा होता है कि भाई फाइन जो है वो मिनिमम 25,000 तो मैक्सिमम लेट्स से 10 लाख, अगर ऐसा कोई भी सेक्शन में लिखा है तो कितना लगाने का, 25 लगाने का, 10 लगाने का, के बीच में लगाने का. तो उसके लिए अपने को ये 446A देखना पड़ेगा. फैक्टर्स फॉर डिटरमाइनिंग द लेवल ऑफ पनिशमेंट, तो पहला साइज ऑफ द कंपनी देखो. अगर बड़ा कंपनी है, बड़े कंपनी ने अगर ऐसा जुर्म किया है तो बड़ा फाइन मार दो. नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी, नेचर ऑफ बिजनेस समझो बहुत ही बूमिंग नेचर का है, प्रॉफिटेबल नेचर का है तो मार दो बिंदास बड़ा फाइन. इंजुरी टू पब्लिक इंटरेस्ट, कितना हार्मफुल था ये, अगर ज्यादा हार्मफुल था तो बड़ा फाइन वरना छोटा. नेचर ऑफ डिफॉल्ट, अगेन वेरी मच सिमिलर टू दिस, अगर डिफॉल्ट बहुत ही यू नो खतरनाक नेचर का है या जिसमें बहुत लोगों का नुकसान वगैरह हुआ रहेगा तो बड़ा फाइन मार दो, अदरवाइज छोटा. या रेपिटेशन ऑफ डिफॉल्ट, मतलब कितनी बार किया है, क्या ये सेकेंड थर्ड टाइम कर रहा है तो ज्यादा मार दो, फर्स्ट टाइम कर रहा है तो थोड़ा कम मारेंगे. तो ये पांचों फैक्टर्स ध्यान में रखना पड़ेगा. अब नेक्स्ट सेक्शन 446B है, लेसर पेनल्टी फॉर ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी एंड प्राइवेट लिमिटेड स्टार्टअप कंपनी. ये 4 लोगों के लिए लेसर पेनल्टी है, विच विल बी हाफ ऑफ द एक्चुअल पेनल्टी और मैक्सिमम 2 लाख फॉर अ कंपनी एंड 1 लाख फॉर ऑफिसर इन डिफॉल्ट. इसका क्या मतलब है, वेरी सिंपल, विच एवर इज लोअर कर देना पहले तो. नाउ फॉर एग्जाम्पल कोई तो भी सेक्शन है जिसमें पेनल्टी है, जिस रैंडम एग्जाम्पल लेता हूं 5 लाख, तो हाफ ऑफ दैट हाफ कर दो तो 2.5 लाख का आ जाएगा पेनल्टी, 2.5 लाख. और अगर वो कंपनी को लग रही है तो 2 लाख, विच एवर इज लोअर करना, तो आंसर आएगा 2 लाख. या ऑफिसर इन डिफॉल्ट है तो ये 2.5 एंड 1 लाख तुमको चेक करना है, विच एवर इज लोअर, तो ये केस में भी 1 लाख आएगा. तो बस हाफ ऑफ एक्चुअल और मैक्सिमम 2 लाख फॉर कंपनी और 1 लाख फॉर ऑफिसर, जो भी केस है, विच एवर इज लोअर करना है, तो इनको लेसर पेनल्टी प्रिस्क्राइब की गई है. ओके, अब नेक्स्ट सेक्शन 454 है. 454 सबसे बड़ा सेक्शन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एडजुडिकेशन ऑफ पेनल्टीज. तो कैसे एडजुडिकेटिंग ऑफिसर पेनल्टी लगाता है किसी को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट एनी ऑफ इट्स ऑफिसर्स नॉट बिलो द रैंक ऑफ रजिस्ट्रार एज एडजुडिकेटिंग ऑफिसर फॉर एडजजिंग पेनल्टीज अंडर कंपनीज एक्ट 2013. मतलब के ये एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जो है वो तुमको पेनल्टी लगाने वाला है. देखो थोड़े थोड़े मैटर स्पेशल कोर्ट तक चले जाते हैं बिकॉज उसमें ट्रायल वगैरह कंडक्ट करना पड़ता है, बट थोड़े थोड़े मैटर ऐसे होते हैं जिसमें डायरेक्टली पेनल्टी लगाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो आपको डायरेक्टली घर पे एक नोटिस वगैरह आ जाएगा कि भाई तुमने फाइल नहीं किया, तो कौन भेजता है ये नोटिस, AO, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर. तो ऐसे सब छोटे मोटे फाइन वगैरह होते हैं वो सब AO लगाता है. अगर कोई बड़ा सा यू नो फ्रॉड वगैरह हुआ है या कुछ बड़ा सा कुछ हो गया, देन ओनली यू विल गो टू द स्पेशल कोर्ट. क्यों? क्योंकि स्पेशल कोर्ट में वो क्लॉज डाल दिया है कि या तो पुलिस रिपोर्ट पे या तो किसी के कंप्लेंट पे ही हम केस लेंगे. तो योर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर यू नो विल लेवी द पेनल्टी. एंड ये AO कौन होगा, तो ही कांट बी बिलो द रैंक ऑफ रजिस्ट्रार. CG की जो भी हायरार्की होगी उसमें रजिस्ट्रार के नीचे वाला बंदा अपने को नहीं चाहिए AO. प्रोसीजर क्या है, AO sends a show cause notice SCN stating the nature of non-compliance. क्या गलती किया है मैंने, वो show cause notice में भेजेगा किसको, कंपनी को या ऑफिसर इन डिफॉल्ट को. एंड ये लोग दोनों जिसको भी नोटिस भेजा, कंपनी को या ऑफिसर इन डिफॉल्ट को, विल हैव टू शो कॉज विद इन मिनिमम 15 टू मैक्सिमम 30 डेज फ्रॉम सर्विस ऑफ द नोटिस. मतलब 15 दिन से लेके 30 दिन के अंदर इनको यू नो टाइम मिलेगा कि तुम शो कॉज कर दो. शो कॉज का मतलब क्या होता है कि प्रूफ करो कि ये सही है कि गलत है. अगर तुमको लगता है कि ये जो चार्ज लगाया है, ये जो नॉन कंप्लायंस बोल रहा है वो गलत है, देन प्रूव इट. तो 15 डेज या 30 डेज जो भी है, इट विल बी एज स्पेसिफाइड इन द नोटिस. मतलब ये जो AO है उसको पावर दिया है कि तू जितना भी टाइम देगा ना वो 15 से लेके 30 डेज के बीच में उसको देना,
ताकि वो अपना कॉज शो कर सके। एंड अगर ये पर्सन जो भी है जिसको नोटिस भेजा है अगर उसको एक्सटेंशन चाहिए तो भी मिलेगा। इफ रीजंस आर सफिशिएंट एओ शैल एक्सटेंड इट बाय रीजंस रिटन डाउन एंड एक्सटेंशन विल बी फॉर मैक्सिमम 15 डेज। तो जहां पर भी आपका ये टाइम खत्म होता है ना, लेट्स से एओ ने 20 दिन का टाइम दिया, एओ के पास पावर है मिनिमम 15 से लेके मैक्सिमम 30 डेज के बीच में वो टाइम देगा। लेट्स से ही गेव यू 20 डेज। अब 20 डेज में अगर आपसे नहीं होगा ये रिप्लाई वगैरह तो यू कैन आस्क फॉर एक्सटेंशन ऑफ मैक्सिमम 15 मोर डेज। तो 20 से प्लस 15 कर देंगे तो 35th डे तक आपके पास टाइम मिल जाएगा। तो ऐसे ये वर्क करेगा प्रोविजन, मतलब 15 से लेके 30 डेज जो भी नोटिस में लिखा रहेगा और वो दिन से प्लस 15 डेज का एक्सटेंशन मिल जाएगा अगर reasons आपने प्रॉपर दिया तो। एंड ये जो नोटिस है उसमें और भी चीजें इंक्लूड करनी है। यू मस्ट इंक्लूड द नोटिस मस्ट इंक्लूड रेलेवेंट पीनल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एंड मैक्सिमम पेनल्टी दैट कैन बी इम्पोज। मतलब ये एक्ट में ये ऑफेंस के लिए क्या क्या लिखा है, फाइन इम्प्रिजनमेंट बोथ वगैरह, एंड इसमें मैक्सिमम कितना लग सकता है वो आपको लिखना है। आफ्टर कंसिडरिंग द रिप्लाई दैट इज इन इलेक्ट्रॉनिक मोड इफ द एओ इज ऑफ द ओपिनियन दैट फिजिकल अपियरेंस ऑफ द ऑफिसर इज रिक्वायर्ड then AO shall issue a notice for the same। मतलब ऐसा है कि अगर physical appearance compulsory, तुमको लग रहा है कि ये case के लिए इसको मेरे को face to face मिलना पड़ेगा या बात करना पड़ेगा, then you can order for same, you can send a notice to that person कि भाई please physically appear कर लो। अब physical appearance का पूरा logic क्या पता है, तो basically you want to talk with him, you want to speak with him, क्योंकि ईमेल से नहीं होता रहेगा कोई चीज क्लैरिफाई या यू नो नोटिस से रिप्लाई वगैरह करके लेटर लिख के नहीं होता रहेगा। तो इफ यू वांट टू टॉक तो बोलेगा कि भाई हाँ फिजिकल अपीयरेंस नेसेसरी। अब इसमें क्या हो सकता है, तो आइदर पर्सनल अपीयरेंस और थ्रू ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव सीए सीएस लॉयर को भी लेके जा सकते हो या अपने बिहाफ पे भेज सकते हो और इवन ओरल रिप्रेजेंटेशन विल बी अलाउड। मतलब ऐसा नहीं है कि तुमको उठ के जाना ही है, आइदर तुम उठ के जाओ या तुम अपने सी ए सी एस लॉयर को ऑथराइज कर दो वो चला जाएगा, या तो ओरल रिप्रेजेंटेशन भी अलाउड है अगर एओ मानता है तो। तो एनीथिंग इज फाइन, बेसिकली द होल पर्पस इज दैट ही वांट्स टू टॉक टू यू। फिर क्या क्या ऑर्डर पास करने वाला है वो, तो ऑर्डर्स बाय द एओ आफ्टर गिविंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इट मे ड्रॉप चार्जेस अगर ऑफेंस नहीं हुआ था तो, कंडक्ट इंक्वायरी समझो और कुछ फैक्ट्स वगैरह उसको डिग करना रहेगा तो, या इम्पोज पेनल्टी एंड डायरेक्ट द कंपनी और ऑफिसर टू रेक्टिफाई द डिफॉल्ट। मतलब प्रूव हो गया कि इसने ऑफेंस किया है तो पेनल्टी मार दो एंड बोल दो कि भाई रेक्टिफाई कर ले तू कोई भी चीज, ये तीनों में से वो कर सकता है। टाइम लिमिट क्या है ऑर्डर पास करने का, तो वेरी इंपॉर्टेंट टाइम लिमिट टू पास द ऑर्डर इफ फिजिकल प्रेजेंस वॉज नॉट रिक्वायर्ड। अगर फिजिकल प्रेजेंस रिक्वायर्ड ही नहीं था तो 30 डेज, इफ फिजिकल फिजिकल प्रेजेंस वॉज रिक्वायर्ड तो 90 डेज। बट 30 डेज और 90 डेज का कैलकुलेशन कौन से डेट से है दैट इज डिफरेंट। पहले ये वाला देखेंगे 30 डेज का, अगर फिजिकल प्रेजेंस नॉट रिक्वायर्ड था देन इट विल बी 30 डेज फ्रॉम एक्सपायरी ऑफ द पीरियड गिवन फॉर रिप्लाई टू द शो कॉज नोटिस। पीरियड क्या हो सकता है, मिनिमम 15 से लेके मैक्सिमम 30 डेज के बीच में प्लस एक्सटेंशन ऑफ 15 डेज फ्रॉम सर्विस ऑफ नोटिस। मतलब कि आपको जो भी टाइमलाइन दिया है वो टाइमलाइन से जो भी एक्सपायरी होता है ना रिप्लाई करने का वहां से 30 डेज। लेट्स अज्यूम 1st अप्रैल को सर्विस हो गया था नोटिस, मतलब यू गॉट द नोटिस सर्विस ऑफ नोटिस 1st अप्रैल को अगर ये नोटिस सर्व हो गया एंड उसमें लिखा है कि यू विल गेट 20 डेज, अगर ऐसा लिखा है तो 1st अप्रैल से लेके 20 डेज खत्म होता है 21st अप्रैल को। 21st अप्रैल को हम बोलेंगे दिस इज द एक्सपायरी ऑफ पीरियड। समझो तुमने ना एक्सटेंशन मांगा 15 दिन का, तो यहां से अगर आपने एक्सटेंशन मांगा प्लस 15 डेज का और उसने अगर ग्रांट कर भी दिया तो प्लस 15 डेज कैसे काउंट करने का, 21 दिन तो खत्म हो गया अप्रैल का, मतलब अप्रैल में अभी 9 दिन बचा है, 9 दिन अप्रैल का बचा है प्लस 6 डेज ऑफ मे, तो 6 मे तक आपके पास टाइम है। Now what is this 6th May? So 6th May is called expiry of period given for reply. So ye reply period over. Ab yahan se tumhara countdown shuru hota hai 30 days ka. So 30 days kidhar khatam hota hai? Kaise ginne ka wapas? So 6th May hai ye. Matlab 6 din May ka khatam ho gaya.
मई में 31 डेज होता है, 31 में से 6 निकाल दो तो 25 दिन बचा है, 25 दिन प्लस 5 डेज ऑफ नेक्स्ट मंथ, तो 5 जून ये तुम्हारा ड्यू डेट है ऑर्डर पास करने का। तो एओ 5 जून को ऑर्डर पास करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू में कंफर्म ऐसा कोई ना कोई डेट वाला सम आने ही वाला है, तो जस्ट मेक श्योर ये सब डेट्स याद हो। 1 अप्रैल को नोटिस सर्व किया, 20 दिन का उसमें टाइम लिखा है शो कॉज विद इन 20 डेज, क्योंकि 15 से लेके 30 के बीच में कितना भी वो दे सकता है। तो हम जो 20 दिन दिया तो 21 अप्रैल को ये टाइम खत्म होता है, बट तुमने 15 दिन का और एक्सटेंशन मांग लिया, तो 21/4 से लेके 15 दिन किधर खत्म होता है, तो 6 मई कैसे आया, अप्रैल में अब 9 दिन बाकी है, 21 खत्म हो गया तो 9 दिन बाकी है प्लस 6 डेज ऑफ मई, तो 6 मई को रिप्लाई पीरियड ओवर होता है। यहां से 30 डेज आपको ऑर्डर पास करने के लिए मिलेगा, तो 5 जून विल बी द आंसर, 5 जून तक एओ ऑर्डर पास कर सकता है। Whereas, ये वाला जो पार्ट है, if physical presence was required, तो इसमें 90 days from the date of issue of notice by the AO, मतलब जब भी इसने इशू किया ना वो वाला डेट अपने को लेना है। लेट्स अज्यूम इसने ये ईमेल से भेजा है, तो ये जो 1 अप्रैल हमने लिया था ना एग्जाम्पल में, जब भी सर्विस हुआ था नोटिस, सर्विस ऑफ नोटिस का मतलब होता है कि वी रिसीव्ड द नोटिस। लेट्स अज्यूम 1 अप्रैल को ही ईमेल किया था, 1 अप्रैल को ही ऑफकोर्स ईमेल मिल गया रहेगा, तो इश्यू ऑफ नोटिस भी अपन 1 अप्रैल अगर लेंगे तो यहां से तुमको 90 डेज काउंट करना पड़ेगा। अब यहां से 90 डेज कैसे काउंट करते हैं, तो अप्रैल का 29 डेज बचा क्योंकि 1 अप्रैल को ये नोटिस दिया है, फिर मई का तुमको 31 डेज मिलेगा, तो दोनों का टोटल 60 डेज हो गया, तो जून का और 30 डेज ले लो, मतलब यहाँ पर 30 जून विल बी योर फाइनल डेडलाइन, 30 जून तक तुमको 90 डेज खत्म हो जाएगा तुम्हारा, तो यू हैव टू पास दी ऑर्डर। तो ऐसे कैलकुलेशन होने वाला है, यू नो व्हेन कैन द एओ पास ऑर्डर, टिल व्हेन, मतलब मैक्सिमम टाइम क्या है, कब तक वो कर सकता है। ओके, नीचे वही एग्जांपल लिखा है तो वी कैन स्किप। इफ ऑर्डर इज पास आफ्टर द अबव मेंशन ड्यू डेट्स, मतलब ऊपर अपने को जो आंसर आया अगर उसके बाद भी पास करना है तो चलेगा, इट शैल बी वैलिड इफ रीजंस फॉर डिले आर रिकॉर्डेड बाय द एओ। ये तो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भाई, एनसीएलटी हो या कोई भी अपेलेट ट्रिब्यूनल वगैरह हो, सबको बोलते हैं कि इट शैल ट्राई टू डिस्पोज ऑफ विद इन एक्स वाई जेड लिमिट। यहाँ पर भी बोल दिया है कि भाई अल्टीमेटली जो ऊपर लिखा था वो एक रेकमेंडेटरी था, वो डायरेक्टरी नहीं था, मतलब कि एओ को कंपलसरी नहीं बोला है, उसको बोला है कि चल अगर डिले हो भी गया ना तो तू रीजन रिकॉर्ड करके बाद में पास कर ले, वो भी हम वैलिड मान लेंगे। ओके, बट अगर एमसीक्यू में आता है तो यू हैव टू स्टिक टू द अबव रूल। एमसीक्यू में अगर आपको ऑप्शन स्पेसिफिकली किधर लिखा रहेगा ना कि इट कैन बी डिलेड फर्दर ऑल्सो, तो ही वो टिक करना, बट अपना खुद का अज्यूम मत करना कि वो डिले कर सकता है। तो अगर एमसीक्यू आता है तो स्टिक टू दैट 30 या 90 डेज वाला रूल ओनली। ऑर्डर शैल बी डेटेड एंड साइंड बाय द एओ, मतलब ऑफकोर्स डेट डालना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा क्योंकि उसी ने बनाया ये ऑर्डर। Shall be consisting of reasons as to why physical appearance is required. कभी भी आप किसी को भी physically बुलाते हो office में या उससे बात करना चाहते हो तो आपको reasons इतना पड़ता है कि भाई क्यों। An order shall be forwarded to the company, officer in default, central government or any other concerned person. मतलब ये तीनों को तो जाने वाला है, company जो officer जिसने जोल किया है and central government को एंड एनी अदर कंसर्न पर्सन, अगर ये केस में कोई भी कंसर्न पर्सन था, फॉर एग्जाम्पल वो जो कंप्लेनेंट था, कंप्लेनेंट में इफ यू रिमेम्बर एक था अपना मेंबर, अपने ही कंपनी के मेंबर ने अगर कंप्लेंट किया रहेगा, तो अगर अपने ही कंपनी के मेंबर ने कंप्लेंट किया रहेगा तो उसको भी नोटिस दे दो, तो जो भी कंसर्न पर्सन रहेगा आप उसको नोटिस दे सकते हो। ड्यूरिंग इंक्वायरी, अब इंक्वायरी बिठाई है तो एओ को दो पावर दी है, summon and enforce the attendance of any person acquainted with the facts of the case. It means कि कोई भी आदमी जो भी ये केस से जुड़ा हुआ है उसको आप बुला सकते हो after recording reasons in writing. क्यों उसको बुलाना है उसका reason लिख लो. And you can order for evidence or to produce any document relevant to the case. तो basically आप कोई आदमी को बुलाओ या कोई evidence या कोई भी documents वगैरह मंगवा लो, अपने office में चलेगा. You have the power. Aggrieved person जो रहेगा against the AO's order can appeal within 60 days from receipt of AO's order
किधर अपील करने का, रीजनल डायरेक्टर के पास, एओ के ऊपर आता है रीजनल डायरेक्टर, तो विद इन 60 डेज उसको पहुंच जाना है। 60 डेज कहाँ से लेंगे, फ्रॉम रिसीट ऑफ एओज ऑर्डर। फिर एओ शैल लेवी द पेनल्टी दैट इज अ फिक्स्ड सम, मतलब उसको बोला है कि तू एक फिक्स सम पेनल्टी लेवी करेगा इंक्वायरी के बाद। इट हैज टू बी पेड थ्रू एमसीए पोर्टल ओनली, ऑनलाइन ही होता है अभी, एंड इट शैल बी क्रेडिट टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। पूरे एक्ट में जो भी फाइन पेनल्टी कलेक्ट होती है सीएफआई में जाएगी, जस्ट लाइक सेबी एक्ट। फिर अगर तुमने ऊपर वाले ऑर्डर कंप्लाई नहीं किए, एओ हो या वो आरडी हो, ऑन फेलियर टू कंप्लाई विद द एओ और आरडीज ऑर्डर विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ ऑर्डर, मतलब अगर आपने कंप्लाई नहीं किया। अब कंप्लाई क्या करना होता है, तो एओ जो है, एओ ने ऐसा ऑर्डर पास किया रहेगा कि तुमको 1 लाख का मैं फाइन लगा रहा हूँ, एंड साथ साथ में तुमको ये रेक्टिफाई भी करना है डिफॉल्ट। समझो तुमने जाके आरडी के पास अपील कर दिया विद इन 60 डेज, आरडी बोलता है कि नहीं 1.5 लाख का फाइन हो गया तुम्हारा, एंड साथ साथ में तुमको रेक्टिफाई करना। तो अब आरडी ने अगर ये ऑर्डर पास कर दिया, तो एओ का ऑर्डर है ना उसको अनदेखा कर दो। अब ये एओ का ऑर्डर खत्म हो गया, अब आरडी का ऑर्डर आपको फॉलो करना है क्योंकि ये उससे बड़ा है। तो विद इन 90 डेज फ्रॉम द रिसीट ऑफ ऑर्डर अगर आपने ये कंप्लाई नहीं किया, तो कंपनी को फाइन लगेगा मिनिमम 25,000, मैक्सिमम 5 लाख तक का। एंड ऑफिसर जिसने डिफॉल्ट किया था, ये ऑफिसर को लगेगा इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ्स, जेल में जाने का मौका अप टू 6 मंथ्स, फाइन मिनिमम 25,000, मैक्सिमम 1 लाख और बोथ। देखो कंपनी है, इसके लिए यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट हो ही नहीं सकता क्योंकि वो नेचुरल पर्सन नहीं है, तो यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट है 6 महीने तक का, और फाइन 25,000 से लेके मैक्सिमम 1 लाख तक का और बोथ। फिर 454A है सेक्शन, किसी ने वापस वो डिफॉल्ट किया तो क्या, वेयर अ कंपनी और ऑफिसर इन डिफॉल्ट हैविंग बीन सब्जेक्टेड टू पेनल्टी अगेन कमिट्स सच डिफॉल्ट विद इन 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर इम्पोजिंग पेनल्टी बाय एओ और आरडी। जिसने भी पेनल्टी लगाया उसके विद इन, मतलब वो जो ऑर्डर पास किया डेट ऑफ ऑर्डर पेनल्टी का, वहां से विद इन 3 ईयर्स अगर किसी ने वापस कमिट किया, देन ही विल बी लायबल फॉर एन अमाउंट विच इज इक्वल टू ट्वाइस द पेनल्टी प्रोवाइडेड फॉर द डिफॉल्ट अंडर दिस एक्ट। मतलब अंडर दिस एक्ट का मतलब जो भी सेक्शन में ये पेनल्टी वगैरह प्रोवाइड की होगी, लेट्स से वो सेक्शन बोलता है कि इसका पेनल्टी है 1 लाख, तो 1 लाख इंटू टू डायरेक्टली 2 लाख लगाने का अगर विद इन 3 ईयर्स उसने ये ऑफेंस किया वापस। तो अब इधर एक नया प्रोविजो ऐड हो चुका है, 454 सबसेक्शन 3 में एक प्रोविजो है दैट द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल नॉट लेवी एनी पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस अंडर सेक्शन 92 और 137 इफ सच डिफॉल्ट हैज बीन रेक्टिफाइड आइदर प्रायर टू और विद इन 30 डेज फ्रॉम द इश्यू ऑफ द नोटिस बाय द ए। इसका मतलब क्या है, तो वेरी सिंपल, पहले तो आपको बोला हुआ है कि आप पेनल्टी लगाओ, थोड़े टाइम बाद अगर डबल यू नो ट्वाइस द पेनल्टी वगैरह हो रहा है, वट एवर द केसेस, बट अगर 92 एंड 137 एनुअल रिटर्न और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइलिंग वाला सेक्शन है, अगर उसका नॉन कंप्लायंस है एंड ये ए ए ने नोटिस भेजा उसके पहले ही आपने कंप्लाई कर लिया, या चलो नोटिस भेजा तो उसके 30 दिन के अंदर कंप्लाई कर लिया, तो क्या, तो ये केस में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी विल नॉट लेवी पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस, सिंपल। फिर आगे मिसेलिनियस पॉइंट्स है, 443 बोलता है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू अपॉइंट कंपनी प्रोसिक्यूटर्स। कंपनी प्रोसिक्यूटर्स क्या होता है, तो बेसिकली जो भी कंपनी के ऊपर स्पेशल कोर्ट में केस वगैरह चल रहा है ना, तो उसके ऑपोजिशन में एक प्रोसिक्यूटर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर रिलायंस के अगेंस्ट केस चल रहा है, मतलब कि स्पेशल कोर्ट में किसी ने कंप्लेन किया है कि भाई रिलायंस है वो गिल्टी, उसको प्रूफ करना है, तो कौन रिलायंस को गिल्टी प्रूफ करेगा, ये कंपनी प्रोसिक्यूटर जो अपोज करेगा रिलायंस को। जैसे पीएमएल में अपन ने पढ़ा था, अगर किसी को बेल चाहिए तो एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपोज करने का चांस दो, वैसे यहाँ पर अगर रिलायंस के खिलाफ केस चल रहा है, रिलायंस को आप गिल्टी प्रूफ करने का ट्राई कर रहे हो, तो कौन उसको प्रूफ करेगा, कंपनी प्रोसिक्यूटर। तो नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट जनरली, मतलब यू नो कोई भी केस के लिए, या फॉर एनी केस, मतलब एक स्पेसिफिक केस के लिए, और फॉर एनी स्पेसिफाइड क्लास ऑफ केसेस इन लोकल एरियाज एटलीस्ट वन,
मतलब वन और मोर पर्सन एज कंपनी प्रोसिक्यूटर्स फॉर कंडक्टिंग प्रोसिक्यूशन। मतलब सीजी जनरली, जनरली का मतलब क्या होता है, सारे केसेस के लिए ये कंपनी प्रोसिक्यूटर है, या फॉर एनी स्पेसिफिक केस, समझो रिलायंस है तो सिर्फ रिलायंस के लिए ये कंपनी प्रोसिक्यूटर है, और फॉर एनी स्पेसिफाइड क्लास ऑफ केसेस। क्लास क्या हो सकता है, तो एग्जाम्पल अगर लिस्टेड कंपनी का केस है तो उसके लिए सिर्फ यही प्रोसिक्यूटर काम करेगा, अगर अनलिस्टेड का है तो सिर्फ यही प्रोसिक्यूटर करेगा, सेक्शन 8 का है तो यही प्रोसिक्यूटर काम करेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऐसे कंपनी प्रोसिक्यूटर्स कौन अपॉइंट करने वाला है, सीजी अपॉइंट करेगा। एंड कंपनी प्रोसिक्यूटर हैज द पावर्स अंडर कोड ऑन पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स अंडर सेक्शन 24 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। ठीक है, इररिलेवेंट है, अपने सिलेबस में ये नहीं होता है। फिर 444, अपील अगेंस्ट अक्विटल। अपील अगेंस्ट अक्विटल का मतलब होता है, मींस टू अपील व्हेन एन ऑफेंडर इज रिलीज्ड, मतलब कि डिक्लेयर्ड नॉट गिल्टी। बेसिकली समझो ए वर्सेस बी चल रहा है, ए वर्सेस बी में ये जो बी है, समझो बी ने मर्डर किया बट बी को छोड़ दिया, बी वॉज फ्रीड, फ्रीड का मतलब रिलीज कर दिया उसको, तो ए चुप नहीं बैठेगा ना, ए क्या करेगा, अपील करेगा, उसी को हम बोलते हैं अपील अगेंस्ट अक्विटल ऑर्डर, नॉट विथस्टैंडिंग कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। सेंट्रल गवर्नमेंट मे डायरेक्ट द कंपनी प्रोसिक्यूटर और ऑथराइज एनी पर्सन टू अपील अगेंस्ट द अक्विटल ऑर्डर पास्ड बाय एनी कोर्ट अदर देन हाई कोर्ट। क्यों? क्योंकि ये एक्ट में ना एनसीएलएटी है जो हाई कोर्ट के एक्ट पार है, तो हाई कोर्ट को हमने एज इट इज डिलीट ही कर दिया है, ऐसा समझो। तो और कोई भी कोर्ट ने अगर अक्विटल ऑर्डर पास किया, सी नॉर्मली वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पेशल कोर्ट ओनली हियर, बिकॉज वही एक कोर्ट है जो कंपनीज एक्ट के लिए काम आने वाला है। तो बेसिकली स्पेशल कोर्ट ने अगर किसी को रिहा कर दिया, अक्विटल ऑर्डर पास कर दिया, उसको छोड़ दिया, देन यू कैन गो एंड अपील अगेंस्ट दैट। कौन करने वाला है अपील, या तो कंपनी प्रोसिक्यूटर या तो एनी अदर पर्सन जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज करने वाला है। फिर लास्ट सेक्शन है कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस के रिलेटेड, अच्छा देयर इज वन मोर सेक्शन, उसके बाद कंपाउंडिंग है। 445 सेक्शन 250 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अप्लाइज फॉर कॉम्पेंसेशन फॉर एक्विजिशन विदाउट रीजनेबल कॉस्ट। इसका मतलब क्या होता है, अगर आपने किसी पे फालतू का एक्विजिशन लगाया ना, तो क्या होता है, पहली बात तो अगर समझो मैंने किसी पे झूठा मोटा रेप का इल्जाम लगा दिया, जैसे एक मूवी था सेक्शन 375 में, अगर किसी पे झूठा मोटा रेप का इल्जाम लगा दिया तो पहली बात तो पुलिस उसके सोसाइटी में आएगी, उसको बंद करके लेके जाएगी गाड़ी में, तो सब लोग देखेंगे डिसरेस्पेक्ट हो गया उधर। उसके बाद उसको जेल में रखेंगे एक दो दिन, उसके बाद कोर्ट में वो प्रूव होएगा कि भाई ये गिल्टी नहीं था, तो यू नो इतना डिसरिस्पेक्ट हो गया, इतना उसका नाम खराब हो गया, फैमिली का नाम खराब हो गया, ये सब हो गया, तो कभी कभार उसको भी कॉम्पेंसेशन देना पड़ता है, तो दैट इज नोन एज कॉम्पेंसेशन फॉर एक्यूजेशन विदाउट अ रीजनेबल कॉज बिफोर एनी स्पेशल कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन। तो कोई भी कोर्ट में अगर इसको लेके गए एंड झूठ मूठ का इल्जाम लगाया, मतलब कि फालतू का केस अगर चलाया, तो उसको कॉम्पेंसेशन मिलेगा एज पर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का सेक्शन 250। फिर लास्ट कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस 441। कंपाउंडिंग ऑफेंसेस का मतलब सबको पता ही है, पे एन अमाउंट एंड गेट द चार्जेस ड्रॉप्ड। ये जो एओ है, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर वगैरह जो आपके पीछे पड़ा है, तो आपको क्या करना है, एक अमाउंट पे कर दो एंड प्रोसिक्यूशन वगैरह सब ड्रॉप कर दो, तो मन की शांति मिलेगी आपको एंड अनसर्टेनिटी भी नहीं रहेगा कि अगर कभी कभार इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ वाला ऑफेंस रहेगा ना, तो क्या बोथ होगा, ये एक अनसर्टेन चीज है जो ट्रायल के बाद ही पता चलती है। तो अनसर्टेनिटी मिटाना है एंड मन की शांति चाहिए, तो आज पैसा पे कर दो, हम प्रोसीडिंग को ड्रॉप कर देंगे, फिर इसका सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ओनली या इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन, मतलब अगर वो सेक्शन में लिखा है कि इम्प्रिजनमेंट ओनली वाला है ये, तो इम्प्रिजनमेंट आपको हो गए। अगर लिखा है इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन, मतलब दोनों होगा ही, तो इट इज नॉन कंपाउंडेबल, मतलब ये केस में आप पैसा देके छूट नहीं पाओगे, क्योंकि इम्प्रिजनमेंट ओनली लिखा है या इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन मैंडेटरी लिखा ही है। बट अगर अदर ऑफेंस है, जैसे कि इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ, या फिर फाइन ओनली वाला भी है, अभी अपन ऊपर पढ़ा के, वो जो कंपनी है अगर वो एओ या आरटी का ऑर्डर फॉलो नहीं करता विद इन 90 डेज, तो उसको हम पेनल्टी लगाएंगे 25,000 से लेके 5 लाख तक, तो उसको बोलते हैं फाइन ओनली वाला। फाइन ओनली में भी अनसर्टेनिटी है ना, कि मिनिमम इतना है, मैक्सिमम इतना है, मेरे को कितना लगेगा मेरे को नहीं पता,
तो ट्रायल खत्म होने तक हमको वेट करना पड़ेगा. तो इफ यू वॉन्ट यू कैन कंपाउंड इट, दीज आर कंपाउंडेबल. तो कंपाउंडेबल में कौन सा आएगा, इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ वाला या फाइन ओनली वाला. तो यू कैन पे एन अमाउंट एंड गेट द चार्जेस ड्रॉप्ड. ओके, ये था स्पेशल कोर्ट्स एडजुडिकेशन वाला चैप्टर.